वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरि मीणा के कुशल निर्देशन में लगातार धरपकड़ अभियान चलाए जा रहे हैं। आज चिरगांव फोर्स द्वारा की जा रही चेकिंग में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से असलहा सहित नकदी भी बरामद की गई है। आज SSP शिवहरि मीणा व SP सिटी विवेक त्रिपाठी तथा क्षेत्र अधिकारी सदर अनुज कुमार के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में वांछित वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना अध्यक्ष बड़ागांव द्वारा हमराह पुलिस चिरगांव फोर्स के साथ संयुक्त चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान चिरगांव बॉर्डर पर बैतवा नहर पुल के पास से मुखबिर की सूचना पर बराठा घाट पीपा पुल रोड पर हाईवे से करीब 100 मीटर की दूरी से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 अदद तमंचा, 7 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर एवं 1 अदद खोखा कारतूस व माल मशरूका तथा 5,000 रुपये सहित मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है अपराधियों के विरुद्ध, उसमें क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बड़ागांव द्वारा चिरगांव पुलिस और बबीना पुलिस के सहयोग से एक लुटेरा और बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। उनके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन, 5,000 रुपये बरामद हुए हैं और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा 26 तारीख को जो एक लूट की घटना की गई थी, इसमें बाइक, मोबाइल फोन, 5,000 रुपये लूट लिए गए थे, इसको बरामद कर लिया गया है। और इनके गैंग में एक लड़की भी सदस्य थी जो अपराधियों को संरक्षण देने में और माल को डिस्पोज करने में मदद करती थी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और अन्य अपराधों का जो इन्होंने किया होगा उसके संबंध में भी खुलासे की कार्रवाई चल रही है। ये चोरी का उद्देश्य था धन कमाना और उसको अपने व्यक्तिगत खर्चों में प्रयोग करना। जो गाड़ियां अच्छी होती थी उनको बेच दिया जाता था और जो गाड़ियां पुरानी होती थी उनको कबाड़ियों को बेचने की बात प्रकाश में आई है। इसमें अतिरिक्त विवेचना प्रचलित है। इनका कार्य क्षेत्र बड़ागांव और चिरगांव थाना क्षेत्र था और ये बेसिकली ललितपुर, दतिया और बबीना थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें एक व्यक्ति लोकल करगुआ थाना चिरगांव का रहने वाली लड़की थी जिसका फादर हिस्ट्री सीटर है और अभी जेल में बंद है। उसके खर्चे चलाने के लिए भी ये लोग लूट की घटनाएं कारित करते थे। गाड़ियां देहात के क्षेत्रों में बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई और विवेचना चल रही है। झांसी से मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। आधुनिक दौर में बेहतर शिक्षा का एक ही विकल्प मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल झांसी। स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस टीचर्स, इंटरनेशनल गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड जिमनेजियम, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, एडवांस लाइब्रेरी, स्मार्ट कंप्यूटर एंड साइंस लैब सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एकमात्र विद्यालय मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कानपुर रोड मॉड झांसी। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, BTech, MTech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd, BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।